मेरी तरफ से सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। ये वीडियो हिंदी भाषा में है और ये फर्स्ट टाइम हम लोग लोड कर रहे हैं। इसका बेसिकली आपने देखा होगा, नया चैनल हमने स्टार्ट किया है। इसके अंदर हम ये वीडियो लोड करते हैं वो सिर्फ आईटीआई इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से जो स्टूडेंट पास आउट हो रहे हैं उनको जानकारी देने के लिए है कि भारत में और भारत से बाहर उनके लिए क्या क्या सुविधाएं अवेलेबल हैं। जैसे आपने अलग अलग न्यूज चैनल से सुन ही चुके हो कि कनाडा की सरकार को लगभग 15 लाख कारीगरों की जरूरत है अगले 3 साल में, और इसको स्किल्ड ट्रेड्स कैटेगरी या स्किल्ड ट्रेड्स प्रोग्राम के अंदर कवरअप किया जाता है। यदि आप किसी एजेंट के पास जाते हो तो आप उसको ये नहीं कह सकते कि मैंने आईटीआई की है, आप उसको कह सकते हो कि मैंने 1 साल का या 2 साल का टेक्निकल कोर्स किया हुआ है, तो वो आपको समझाएगा भी, क्योंकि इसके बारे में विस्तृत जानकारी कनाडा सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट www.cic.gc.ca के ऊपर अवेलेबल है। जैसे आज ही आपने सुना होगा कि कनाडा की सरकार ने 4th एक्सप्रेस एंट्री ड्रा निकाला है जो प्योरली फेडरल स्किल ट्रेड्स के एप्लीकेंट्स के लिए था। उसका स्कोर 489 आया है और 3300 जो एप्लीकेंट थे, चाहे वो कनाडा में लोकल उन्होंने पढ़ाई की थी या भारत से लोग गए हैं, वो उनके लिए था। और इसका टाई ब्रेक डेट थी 29 मार्च 2022। अब मैं आपको बेसिकली बताऊंगा कि आईटीआई पास स्टूडेंट कनाडा में 4 रास्तों पे से तरीके से जा सकते हैं, जो मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। यदि आप एक कारपेंटर, इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, प्लम्बर, एयर कंडीशनिंग मैकेनिक, डीजल मैकेनिक, मोटर मैकेनिक, सिक्योरिटी कैमरा इंस्टॉलेशन और प्लस आप यदि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हो या उसके अंदर लाइन में काम कर रहे हो, सेलफोन की रिपेयर करते हो, कुक हो, केयर गिवर आपने कोर्स किया हुआ है या कोपा का कोर्स किया हुआ है या सिलाई कढ़ाई का कोर्स किया हुआ है, तो आप आसानी से कनाडा में जा सकते हो। 4 रास्ते क्या है? आपने 1 साल की आईटीआई की हो, इंग्लिश के जनरल मॉड्यूल के अंदर आपने 5 बैंड लेने हैं। यदि आप आज की न्यूज़ देखोगे तो आप 3 एग्ज़ाम में से कोई भी एग्ज़ाम दे सकते हो, आईएलएस जनरल, पीटी जनरल या सेल्पिप, CELPIP। सेल्पिप एग्ज़ाम बहुत आसान है, टोटल बैंड 12 होते हैं जिसके अंदर आपने CLP 7 लेने होते हैं। सो यदि आपने आईटीआई कर रखी है, 1 साल का तजर्बा है, चाहे वो अप्रेंटिसशिप है, चाहे आपकी प्राइवेट जॉब है या आपका खुद बिजनेस कर रहे हो, तो आप कनाडा में वर्क परमिट के तौर के पर जा सकते हो। यदि आपने आईटीआई की है, इसके साथ आपके पास 4 साल का एक्सपीरियंस है, तनख्वाह बैंक में आ रही है, इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल की हुई है और आपके पास इंग्लिश जनरल में 6 बैंड्स हैं, तो आप कनाडा में फ्री ऑफ कॉस्ट जा सकते हो। आपकी फाइल जो एक्सप्रेस एंट्री के अंदर लगाई जा सकती है। यदि आपके पास आईटीआई का एक्सपीरियंस है, 1 साल का सर्टिफिकेट है, 4 साल का एक्सपीरियंस है, अंग्रेजी में सिर्फ 5 बैंड है, तो आप पीएनपी कैटेगरी में अपनी फाइल लगा सकते हो, ये भी टोटली फ्री है। अगर आपके 4 बैंड या इससे कम आएंगे तो आपको वर्क परमिट कैटेगरी में जाना पड़ेगा। कनाडा में आपको स्किल्ड ट्रेड्स कैटेगरी के नाम से पुकारा जाता है, इसमें वहाँ पे पक्के होना आसान है। इसके अलावा यदि आपकी शादी किसी भी कैनेडियन परमानेंट रेजिडेंट या परमानेंट सिटीजन से होती है तो आपके ऊपर कोई भी इंग्लिश का टेस्ट पास करने की जरूरत नहीं है, आप कनाडा में फ्री में जा सकते हैं। हम आपको इसी तरह हर वीक में एक एक वीडियो लोड करेंगे ताकि आपको जानकारी बढ़ाई जा सके, ताकि आईटीआई पास करने के बाद आप भारत और कनाडा में कैसे जा सकते हैं, भारत में आपके लिए क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं। आप हर वीक इसको सुनिए,
घर बैठे जब भी आपको टाइम मिलता है ये YouTube की पर लोड की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए पीछे दिए गए फोन नंबरों के पर मंडे टू फ्राइडे 10 AM to 6 PM आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। यदि आपको दी गई जानकारी सही है आप अपने रिश्तेदारों से, दोस्तों से, फ्रेंड सर्कल से शेयर कर सकते हो और उनको भी इसका लाभ लेने का मौका दे सकते हो। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड।